गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैदराबाद में हार्टफुलनेस सेंटर में हैं। तो आज हम सीखेंगे रियर हुक। तो रियर हुक सीखने से पहले हम सीखेंगे कि रियर हुक कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो रियर हुक एक पावर पंच है, तो उसको हमेशा की तरह मैंने जैसे पहले वीडियोस में बताया है लीड हुक की तरह ही उसको पहले नहीं मार सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते रियर हुक से। तुम्हें पहले जैब क्रॉस ऐसा कुछ तो कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं दो कॉम्बिनेशन तुम्हें बता दूँ। तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि लेफ्ट राइट लीड हुक राइट हुक लीड हुक के बाद राइट हुक आ रहा है। मतलब कभी कभी लीड हुक ब्रेड टेबल हो जाता है, उन्हें समझ में आता है तो डक करते हैं और फिर जैसे ही ऊपर आते हैं हमारा राइट हुक होने लग जाता है। तो समझा, अभी हम दूसरा चीज़ सीखेंगे विदर। तो अभी दूसरी टेक्निक दिखा रहा हूँ मैं। जो लोग इन फाइटिंग करते हैं, जो लोग एग्रेसिव बॉक्सर होते हैं जैसे माइक टायसन की तरह, तो आपका अपोनेंट जैसे माइक टायसन की तरह इन फाइटिंग करते हैं, एग्रेसिवली घुस रहा है, तो उसे कैसे मार सकते हो आप? लेफ्ट जैब के साथ राइट क्रॉस नहीं मार पाएंगे क्योंकि वो एकदम से अंदर आ जाते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि रियर हुक कैसे तुम यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये देखो कैसा अंदर आ गया है। अभी इधर से मुझे मारना रहेगा, तुम्हें ये नहीं मार सकता क्योंकि दूर है, तुम्हें राइट क्रॉस मार दूंगा। तो समझ में आ रहा है? मतलब उस मतलब मैं जैब मारा, वो इन फाइटिंग से अंदर घुसा, राइट क्रॉस से नॉकआउट। तो जब भी ओपोनेंट ज़्यादा पास आ रहा है और तुम लोग ने लेफ्ट हैंड अपना यूज़ कर दिया है, तो अभी तुम वापस से लीड हुक नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम्हारा हाथ ऑलरेडी इन मोशन है वहाँ पे। तो यही टॉर्क से राइट क्रॉस मार दो। अभी हम सीखते हैं कि रियर हुक मारते कैसे। तो पहले तो आप गार्ड पोजीशन में हो, गार्ड पोजीशन से आप आपका राइट हैंड इधर तक ही आएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, इधर तक ही आना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और वही एंगल के साथ ट्विस्ट करो। पैर देखो मेरा ट्विस्ट, और एल्बो हमेशा उसकी चीन तक आना चाहिए, इतना ही अंदर जाना चाहिए, पूरा इधर तक नहीं जाना। तो आप ऐसे हो, रियर हुक वापस आ गए, रियर हुक वापस आ गए, रियर हुक वापस आ गए। तो अभी रियर हुक आपको कुछ लोग इतना ही मारते हैं, यहाँ पे आके नीचे कर देते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि लग गया, अपोनेंट पे टच हो गया तो लग गया, ऐसा नहीं होता है। पास होना चाहिए इधर तक, एल्बो हमेशा उसकी चीन की लेवल तक आना चाहिए, फिर वापस आना चाहिए। पेनिट्रेट